अवैध हथियार निर्माण और तस्करी के मामलों में गिरफ्तार दो आरोपियों को न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर 7-7 वर्षों के कारावास की सजा से दंडित किया है। दोषी आरोपियों में भगवानपुरा थाना क्षेत्र के सतीपुरा से 4 नवंबर 2020 को दो देसी पिस्टल सहित हथियार निर्माण सामग्री के साथ पकड़ा गया। 20 मार्च 2020 को यातायात थाना के सामने खंडवा रोड पर 7 पिस्टल और 7 मैगजीन के साथ पकड़ा गया लाखन उर्फ फौजी शामिल है। फौजी अवैध हथियार तस्करी का सरगना माना जाता है। उस पर जिला सहित भोपाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में भी आमर्स एक्ट के मामले दर्ज हैं। भोपाल एसटीएफ ने भी लाखन पर प्रकरण दर्ज कर रखा है। कई मामलों में लाखन फरार था, जिसे खरगोन पुलिस ने पकड़ा था। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। ये है 20-3-2020 को पुलिस थाना कोतवाली खरगोन को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी। तो पुलिस ने उस सूचना पर तस्दीक कर बताए स्थान पर जाकर देखा, वहाँ पर खंडवा रोड पुलिस लाइन खरगोन गेट के वहाँ पे उधर खंडवा तरफ से आते हुए मुखबिर पे बताया अनुसार हुलिया का व्यक्ति आया। पुलिस ने रोककर उससे पूछताछ करी थी तो उसने अपना नाम लाखन उर्फ फौजी, पिता विट्ठल सिंह, उम्र 37 वर्ष, निवासी सिमनूर का होना बताएगा। पुलिस ने इसके कब्जे से 7 पिस्टल और प्रत्येक पिस्टल में एक एक मैगजीन लगे हुए थे और एक एक मैगजीन पृथक से उसके पास संधारित थे। फिर पुलिस ने इससे पूछताछ भी करी थी तो इसने बताया था कि ये पिस्टल में निर्माण कर मतलब बनाकर बेचता हूँ और ये कहीं पे इसके ऑर्डर जहाँ पर भी था मैं बेचने के लिए जा रहा था, उसी दफे पुलिस ने इसको धर दबोचा और इससे पूछताछ करी थी। दूसरा फिर इसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेट कर चालान पेश करा था तो इसमें आरोपी को 25(1)(a) आर्म्स एक्ट, ये भी शायद संभवतः जब संशोधन हुआ है 14 दिसंबर 2019 के बाद प्रथम मामला ही है इस तरीके से, अभी तक मेरी जानकारी में नहीं आया। इसमें 7 वर्ष के कठोर कारावास और 3,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। तो ये इस तरीके से जो हथियारों के सौदागर है इनको इस तरीके से सजा होने से जो अंतर्राज्यीय अन्य राज्यों में भी इनके द्वारा जो सप्लाई किया जाता है उस पर भी ब्रेक लगेगी और बाकी जो अपराधी इस इन प्रकरणों में इस काम में संलग्न है उनके बीच में भी कानून और न्यायालय और पुलिस के भाई उत्पन्न होगा तो इसे करने से क्षेत्र में और देश में शांति व्यवस्था स्थापित होने की संभावना है। क्या नाम सर? झवर सिंह गोयल, उप संचालक खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।